प्याज का जो काफिला है वो लोजपा दफ्तर तक पहुंच चुका है। रामविलास पासवान खाद्य मंत्री हैं और उनके ही दरवाजे पर इतनी भीड़ लगी हुई है आपका प्याज लेने के लिए। भैया जब जमुई में प्याज सब्सिडी पर बिकेगा तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ 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 क्यों नहीं, यहाँ गरीब नहीं रहते हैं, यहाँ सब लोग नहीं रहते हैं तो यहाँ पर भी बिकना चाहिए ना। तो इसीलिए मंत्री जी तो हमारे अपने हैं तो उनको बता रहे हैं कि दर्द हमारा होगा। हाँ अपनों को पाठ पा रहे हैं उनके ही दरवाजे पर। हाँ हाँ उनको दर्द देखिए उनके ही दरवाजे पर आकर और प्याज बेचना शुरू कर दिया है जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने। तो एक बार फिर से आज एक नया दिन है, एक नया सवेरा है और एक बार फिर जन अधिकार पार्टी के जितने सदस्य हैं, जितने नेतागण हैं वो सभी लोजपा कार्यालय के बाहर प्याज बेच रहे हैं। गरीबों की लंबी लाइन लग चुकी है, आम आदमी की लंबी लाइन लग चुकी है और जितने लोग हैं वो सभी जन अधिकार पार्टी के काउंटर से आज प्याज खरीदने पहुंचे हैं। मेरे पीछे की लंबी लाइन देखिए किस तरीके से इस वक्त हम खड़े हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी के कार्यालय के बाहर पटना में। और ये जन अधिकार पार्टी द्वारा जो लगाया गया है उनका काउंटर, उसके बाहर लोग आ रहे हैं। जो लोग नहीं चल पा रहे हैं वो व्हीलचेयर से आए हैं। अच्छा क्या नाम हुआ भैया आपका? सत्यानंद ठाकुर जी। कहाँ से आए हैं भैया आप? यहीं पोलो रोड पीछे से। यहीं से आए हैं तो पप्पू यादव 35 रुपए किलो प्याज बेच रहे हैं। जी जी। कैसा लग रहा है? ठीक है। पार्टी कार्यालय यहाँ पर लोजपा का है। कभी सरकार की तरफ से कोई नहीं आया? सरकार की तरफ से तो कुछ फायदा गरीब को नहीं मिलता है, देख ही रहे हैं हम। अभी के समय में प्याज आपको जरूरी था? बहुत जरूरी है। पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं मदद की उनकी? हाँ बहुत मदद करते हैं, देखिए कि आप रात में बहुत मदद किए हैं। तो ऐसे नेता की जरूरत है? जरूरत है। देखिए ऐसे नेताओं की जरूरत है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। इन सभी तस्वीरों से लाइव सिटीज आपको रूबरू करा, देखिए किस तरीके से लंबी लाइन लग चुकी है और सभी जितने नेतागण हैं वो सभी प्याज बेचने में मगन हैं। हम लोगों से बात करेंगे। अच्छा 35 रुपए 30 रुपए प्याज बेच रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है? देखिए फायदा पार्टी के लिए नहीं है, आम जनों को फायदा पहुंचाने के लिए और सरकार को ये बताने के लिए कि जब एक व्यक्ति और एक संस्था सस्ते दर पे प्याज उपलब्ध करा सकता है तो राज्य सरकार क्यों नहीं उपलब्ध करा रही है, केंद्र सरकार क्यों नहीं उपलब्ध? आसमान जी के घर के बाहर बैठ कर ये प्रतीकात्मक संकेत है विरोध का, विरोध का एक तरीका है। चूंकि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि खाद्य आपूर्ति मंत्री ने जो हाथ उठा दिया है, हाथ नहीं उठाना चाहिए बल्कि उनको जनता के साथ खड़े होना चाहिए और जनता के हित में काम करना चाहिए। देखिए जनता के हित में काम करना चाहिए। रामविलास पासवान के घर के बाहर आप लोग बैठे हुए थे। 30 रुपया में पप्पू यादव जी सबसे सस्ता प्याज, जब इनके नेता पार्टी सब लोग कहते हैं कि प्याज हम नहीं खाते हैं कैंसर हो जाता है, अश्विनी चौबे जी कहते हैं ये तमाम बातें जो इन लोगों के द्वारा महंगा किया गया है, जब पप्पू यादव जी सस्ता बेच सकते हैं तो मोदी सरकार को सस्ता बेचने में क्या ऐतराज है, नीतीश कुमार को सस्ता प्याज गरीबों को मुहैया कराने में क्या ऐतराज है? अच्छा आपकी पार्टी का जो तरफ पप्पू यादव दे सकते हैं, सबको सबकी सेवा कर सकते हैं तो इन लोगों में क्या दिक्कत है? बस हम प्याज बेच रहे हैं, सस्ता प्याज 30 रुपया में भी कोई ऐतराज नहीं है प्याज बेचने में, जन अधिकार को कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई ऐतराज नहीं है। हम जानते हैं कि सस्ता प्याज बिचौलिया सरकार के कारणों से हुआ है। चलिए देखिए आप उनकी पार्टी के बाहर बैठे हुए हैं, लोग अगले साल आपको मदद करेंगे, अगले साल आपको मदद करेंगे चुनाव के समय में? देखिए चुनावी मामला नहीं है, मामला ये है कि जनता का हित कैसे सत्ता हो। जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए जन अधिकार पार्टी हमेशा खड़ी है पप्पू यादव के नेतृत्व में। देखिए पप्पू यादव के नेतृत्व में पार्टी हमेशा खड़ी है और जो लोग
यहाँ पहुँचे हैं उन सभी को लगातार हम दिखा रहे हैं तस्वीर, उन सभी की तस्वीर दिखा रहे हैं। लाइन लग चुकी है और जो लोग हैं वो यहाँ पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, प्याज सस्ता मिल रहा है? हाँ, यहाँ 35 रुपया किलो मिल रहा है, 35 रुपया किलो मिल रहा है, इसीलिए तो खड़ा है सर कि मिलेगा। लेकिन सरकार की तरफ से तक कुछ मदद नहीं, कुछ नहीं मदद, हाहाकार किया। मैं प्याज नहीं खाया एक सप्ताह हो गया, मुर्गा उर्गा से परहेजे हो गया, कुछ नहीं खा रहा है, कुछ नहीं। कैसे विकास होगा शरीर का, शरीर का कैसे विकास होगा? ऐसे ही हिलते डोलते रहेंगे प्याज के चक्कर में। देखिए, हिलते डोलते रहेंगे प्याज के चक्कर में। और पप्पू यादव की जो पार्टी है वो लोजपा कार्यालय के बाहर लाइन लगवा चुकी है और लोगों के बीच में प्याज बांटने का जो कार्य है वो चल रहा है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।